दो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ ऐसी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं जिसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं, क्या ऐसी रिलेशनशिप टिक पाएगी, आगे क्या होगा, ये हम आज की मूवी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ये 2011 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी में हम देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर डिलन को देख सकते हैं। डिलन एक ब्लॉगर था और उसकी एक कंपनी भी थी। अपनी काम की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाता। एक दिन जब वो मूवी देखने के लिए जाने वाले थे, इस बार भी डिलन बहुत ही लेट हो गया। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिला तो उसे वो ब्रेकअप कर लेती है। कहती है, तुम हमेशा अपने काम पर ही ध्यान देते हो, मुझ पर तुम्हारा कभी भी फोकस नहीं होता। इसी के पैरेलल में हम हमारी और एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है जेमी। जेमी के बॉयफ्रेंड ने भी आज उसके साथ ब्रेकअप कर लिया, कहा कि तुम बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल हो। एक्चुअल में जेमी ये रोमांटिक मूवीज देखती है, उसे हमेशा लगता है उसे बचाने वाला प्रिंस चार्मिंग आने वाला है, उसके लिए वो सिंग करेगा, उसके लिए डांस करेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही कमिटमेंट लेती है और ये कमिटमेंट करने वाला जेमी को अब तक कोई भी मिला नहीं है। इन दोनों के ब्रेकअप के बाद ये दोनों बहुत ही हर्ट हो चुके थे, डिसाइड करते हैं कि अब कभी भी डेट नहीं करेंगे। एक्चुअल में जेमी न्यूयॉर्क में रहती है और डिलन एलए में। इसके बाद तुरंत नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डिलन एलए से न्यूयॉर्क में आ रहा था। उसे एक अच्छे जॉब की ऑफर आई थी और ये ऑफर जेमी की वजह से आई है। एक्चुअल में जेमी की फ्रीलांसर एचआर कंसल्टेंसी है, जिन भी कंपनी को अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं इनका कॉन्टैक्ट उन्हें दे देती है। इसी वजह से जेमी ने डिलन को कॉन्टैक्ट किया था। अब जॉब इंटरव्यू देने के लिए डिलन न्यूयॉर्क में पहुंचा। जेमी वहाँ उसका वेलकम करने के लिए आए। जेमी को लगता है कि अब डिलन को जीक्यू मैगजीन में काम करने के लिए मिलेगा, ये उसके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट डिलन को इसका सीरियसनेस नहीं था, उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी और एलए भी उसे पसंद था। जेमी ने कहा कि न्यूयॉर्क बेस्ट है, तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी कंपनी में काम करना है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। डिलन इंटरव्यू देकर आया और उसे जॉब मिल भी जाता है, पर अभी भी उसे न्यूयॉर्क में रहना है या नहीं इसे लेकर वो श्योर नहीं था। जेमी ने कहा कि मैं तुम्हें दिखा कर रहूँगी कि न्यूयॉर्क कितना बेस्ट है। वो फिर उसे ब्रुकलिन ब्रिज के पास एक बार में लेकर आए। यहाँ पर डिलन एक सेलिब्रिटी से भी मिलता है पर उसे इतना अच्छा नहीं लगा। इसके बाद उसे बहुत ही टॉल बिल्डिंग के ऊपर लेकर आए। जेमी ने कहा कि मैं जब भी अपसेट होती हूँ तो हमेशा यहीं पर आती हूँ, ये उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस था। डिलन को भी बहुत अच्छा लगता है। डिलन के फादर भी एक बहुत बड़े राइटर थे, ये बात जेमी को पता थी। तो जेमी ने उसे पूछा, तुम यहाँ पर जॉब ले रहे हो, इसके बारे में तुम्हारे फादर क्या कहेंगे? डिलन कहता है, मैं हमेशा लाइफ में जो भी करूँ वो अच्छा ही करूँगा, ये मेरे फादर को हमेशा लगता था, मुझ पर प्राउड होते हैं। इसके बाद जेमी डिलन को टाइम स्क्वायर में लेकर आए। वहाँ पर सब लोग एक सिंक्रोनाइजेशन में डांस करने लगते हैं। जेमी ने कहा, इतनी बड़ी सिटी में लोगों को अकेला न लगे तो इसलिए सब मिलकर यहाँ डांस करते हैं, उन्हें लगता है कि किसी चीज़ का वो पार्ट है। ये सारी चीज़ें देखकर डिलन ने भी डिसाइड कर लिया कि वो न्यूयॉर्क में रहेगा। डिलन ने फिर अपना जॉब ज्वाइन किया। सबके साथ वो बहुत ही फ्रेंडली था। उसका एक नया फ्रेंड बनता है जिसका नाम है टॉमी। डिलन के ऑफिस में इस जॉब का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए जेमी आई हुई थी। एक 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है पर फिर भी डिलन छोड़कर जा सकता है, पर जेमी कहती है कि ऐसा करना मत, अगर तुम छोड़कर चले गए तो मुझे कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। बात करते करते डिलन जेमी से पूछ लेता है, क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? जेमी को लगा कि डिलन उसे डेट पर पूछ रहा है। जेमी कहती है कि पूरी सिटी में सिर्फ मैं ही तुम्हारी फ्रेंड हूँ और अगर हम दोनों डेट करेंगे तो सब बहुत ही वियर्ड हो जाएगा। डिलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड तुम्हें पूछ रहा था। इसके बाद फिर ये दोनों लंच के लिए आए। बातें करते करते अपने प्रीवियस ब्रेकअप के बारे में बात करने लगते हैं। उनके एक्स पार्टनर्स को उनके बारे में क्या लगता था, ये सारी चीज़ें एक दूसरे को उन्होंने बता दी। ये हमेशा एक दूसरे के साथ बहुत ही ऑनेस्ट रहते हैं, इस वजह से इनकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो जाती है। जेमी ने कहा कि कल रात मेरे घर पर पार्टी है जहाँ पर तुम और भी फ्रेंड्स बना सकते हो। डिलन भी इस पार्टी में पहुँच गया, बहुत सारे मज़े करता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने लग गए थे। एक रात डिलन जेमी के घर पर मूवी देख रहा था। जैसे कि हमें पता है कि जेमी को रोमांटिक मूवीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। डिलन कहता है कि सारी मूवी एक ही टाइप की होती है, इन मूवी में रिलेशनशिप के लिए लोग कितना सब कुछ करते हैं, किसी से प्यार करना इतना कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। जेमी भी इस बात से एग्री करती है। वो कहती है कि आदमी की फिजिकल नीड्स होती है, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें इतना सब कुछ नहीं करना चाहिए। डिलन कहता है कि जैसे हम किसी के साथ टेनिस खेलते हैं उसी तरीके से ये भी चीज़ें होनी चाहिए। दोनों को ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा। तो डिलन जेमी से पूछता है, क्या तुम्हें टेनिस खेलना है? इसका मतलब है बिना किसी कमिटमेंट के साथ डिलन उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहता था। जेमी कहती कि ऐसा कैसे, क्या हम एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी हैं? इन दोनों ने एक दूसरे को नोटिस किया और वो रियलाइज़ करते हैं कि दोनों अट्रैक्टिव है, और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो गए। इन्होंने कसम ली थी कि इनकी रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल रहेगी, कोई भी इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये हमेशा अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस रात के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों के बीच में ज़रा ऑकवर्डनेस था,
तो एक दिन जेमी ही डिलन के ऑफिस में आके दोनों ने इस इशू पर बात की। उन्हें लग रहा था कि शायद जो भी हुआ इस वजह से इनकी रिलेशनशिप में ऑकवर्डनेस आ चुका है। डिसाइड करते कि ऐसा फिर से कुछ भी नहीं करेंगे, पर एक दूसरे से दूर रह नहीं पाए और फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। एक दिन जब वे साथ थे तभी अचानक से जेमी की मदर आ जाती है। जेमी ने मदर को सिचुएशन समझाई और मदर को ये बात अच्छी लगी। एक्चुअल में जेमी की मदर ने भी कभी भी कमिटमेंट नहीं की थी। उसका डिवोर्स हो जाने के बाद वो कभी भी सेटल नहीं हुई थी, एक जगह पर वो टिकती भी नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिलन और टॉमी जब हैंग आउट कर रहे थे, तब डिलन ने उसे जब जेमी के बारे में बताया तो टॉमी कहता है कि तुम्हारी रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं करेगी। लड़कियों का इन सब चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत ही अलग होता है। वो तुमसे कुछ भी कहे पर वो कुछ अलग चीज़ ही चाहती होगी। अब ज़रा टाइम गुजर चुका था तो एक दिन जेमी रियलाइज़ करती है कि उसे फिर से डेट पर जाना है। वो एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती थी। डिलन कहता है कि ठीक है, ये अरेंजमेंट तोड़ने के लिए रेडी था। इसके बाद दोनों पार्क में आए और उसने कहा कि मैं उस लड़की को डेट कर सकता हूँ। वहीं पर जाकर उसने डायरेक्टली उसे बात कर ली। बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का हस्बैंड और किड्स भी है। जेमी उस पर बहुत हंसती है। उसने भी पार्क में और एक लड़के को नोटिस किया। इस बार जेमी ने जाकर उसे अप्रोच किया। वो एक डॉक्टर था और जेमी उसके साथ डेट पर जाने वाली थी। वो दोनों फर्स्ट डेट पर गए। एक दूसरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं। डॉक्टर का नाम था पार्कर और पार्कर को जेमी के साथ उसके घर पर चलना था, पर जेमी उसे कहती है कि मेरा एक रूल है, 5 डेट तक मैं किसी को भी घर पर नहीं ले जाती। उसने उसे बताया कि मैंने इमेजिन किया है कि मेरे भी लाइफ में मूवी जैसा एक हीरो आएगा, मेरा एक प्रिंस चार्मिंग। अब जब जेमी और पार्कर डेट करने लग गए थे तो डिलन का ज़रा अकेला महसूस होता है, उसे मिस करता है। उसने दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जाने का ट्राई किया पर फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी और पार्कर की 5 डेट कंप्लीट हो गई थी। ये दोनों इंटीमेट हो गए। जेमी अगली सुबह उठी और डोनर्स लेने के लिए जाती है। पार्कर मौके का फ़ायदा उठाकर उसे कुछ भी ना बताते हुए उसके अपार्टमेंट से निकल रहा था। जेमी ने उसे पकड़ लिया तो वो बहाने बनाता है। जेमी बहुत ही हर्ट हो गई। जेमी को बुरा लगा तो पार्कर कहता है कि जो प्रिंस चार्मिंग तुम्हें अपनी लाइफ में चाहिए वो मैं नहीं हूँ, वो उसे इतना टाइम और अटेंशन नहीं दे सकता। इसी बात पर उनका ब्रेकअप हो गया। ये सब बात जब जेमी डिलन को बताती है, डिलन कहता है कि उसे भूल जाओ, वो बहुत ही घटिया आदमी था। जेमी को चेयरअप करने के लिए उसे जो पेंटिंग अच्छी लगती थी ये डिलन ने बाय कर ली थी। जेमी को ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। जब वो घर पर आए तो उसकी मदर अचानक से फिर से चली गई थी। हॉलीडे था तो जेमी और उसकी मदर एक साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे। जेमी को बहुत ही बुरा लगता है। डिलन को जब ये बात पता चली तो कहता है तुम मेरे साथ मेरे घर पर आ सकती हो, वैसे भी तुम घर पर बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगी। उसने डायरेक्टली टिकट बुक कर ले और उसे घर पर लेकर आता है। डिलन के घर पर उसके फादर के साथ उसकी सिस्टर भी रहती है। ये सब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए। डिलन के फादर और उसकी सिस्टर एनी को जेमी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डिलन के फादर को अल्जाइमर था, इस वजह से सारी चीज़ें वो भूल जाते थे। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ें करते थे। वो अब जो भी चीज़ें करते हैं, कभी कभी अपनी पैंट पहनना भी भूल जाते हैं, ये सब चीज़ें डिलन को ज़रा अनकम्फर्टेबल लगती है, वो इससे एम्बैरेस्ड हो जाता है। स्लोली स्लोली जेमी और एनी ये दोनों बॉन्ड करने लग गई थी। रात में जेमी के रूम में डिलन आ गया, उसके साथ ही रात बिताना चाहता था तो जेमी उसे मना कर देती है, तो दोनों वहीं पर हैंग आउट करने लग गए। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो डिलन ने कहा तुम मेरे लाइफ में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जेमी कहती कि तुम भी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। ये बात करते करते दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। रात में जब डिलन जेमी के रूम से बाहर निकल कर अपने रूम में गया तब एनी ने बात नोटिस की थी। अगली रात डिनर करते वक्त डिलन के फादर को अचानक से अपनी वाइफ की याद आ गई। उनको ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था तो इस बात से उसके फादर बहुत ही अपसेट हो गए। डिलन को चीज़ बहुत ही एम्बेरसिंग लगी थी। इसके बाद नेक्स्ट डे जब डिलन जेमी को सिटी दिखाने के लिए लेकर गया तो हॉलीवुड साइन पर बैठ जाते हैं। डिलन डर रहा था पर जेमी उसे ज़बरदस्ती लेकर गई। उसे कहते कि तुम्हें अपने फादर को लेकर एम्बेरस नहीं होना चाहिए, लोगों ने क्या समझते हैं ये चीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, वो तुम्हारे फादर है और तुम्हें उन्हीं नज़रों से उन्हें देखना चाहिए। डिलन को ये भी बात सही लगी। जिस साइन पर वो थे यहाँ बैठना अलाउड नहीं था तो पुलिस उन्हें पकड़ भी लेते हैं। बेचारा डिलन हाइट से डरता था तो इस वजह से भाग भी नहीं पाया। इनका वीकेंड ऐसे ही बहुत ही अच्छे से जा रहा था तभी एक दिन एनी डिलन से बात करती है। कहती है तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, मैंने नोटिस किया तुम एक दूसरे के लिए बहुत ही परफेक्ट हो। डिलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड हैं और वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ये सारी बात जेमी ने सुन ली थी, उसे बहुत ही अपसेट लगा। रात में उसने फ्लाइट कर ली और वैसे ही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। डिलन में न्यूयॉर्क आया, अपना काम कंटिन्यू करता है पर उसके जेमी से कुछ भी बात नहीं होती, उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही थी, कुछ भी कॉल्स नहीं उठाती। एक दिन जेमी को एक कंपनी की रिक्वायरमेंट आई, वो डिलन को किसी भी हाल में हायर करना चाहते थे।
जेमी फिर भी डिलन को कॉन्टैक्ट नहीं करती। डिलन को पता था कि जेमी हमेशा एक टाइम पर कहाँ जाती है, बिल्डिंग के रूप टॉप पर, तो उसी टाइम पर वो भी उसके पास पहुँच गया। उसे पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। जेमी ने कहा कि मैं इमोशनली अनअवेलेबल हूँ, हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। डिलन कहता है कि वो सारी चीज़ें सिर्फ मैं मेरे सिस्टर से कह रहा था, उसका कुछ भी ज़्यादा मीनिंग नहीं है। जेमी कहती है कि तुमने मुझे कभी भी सीरियसली लिया ही नहीं। उसे एक्चुअल में डिलन के लिए फीलिंग्स आ गई थी, ये बात डिलन रियलाइज़ नहीं कर पाता। उसे इस तरीके से खोने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। जेमी को अच्छे लगने वाली रोमांटिक मूवीज जो उसे अच्छी नहीं लगती थी, ये भी उसे मिस करते हुए देख रहा था। जिस कंपनी ने पहले जेमी को कॉन्टैक्ट किया था, वही डायरेक्टली डिलन को कॉन्टैक्ट कर लेती है। डिलन जाकर उसके साथ मीटिंग कराया, तो जेमी को बात पता चलने के बाद उसे कन्फर्ट करने के लिए उसके पास पहुँच गए। उसे कहती है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकते। डिलन कहता है कि मैंने सिर्फ एक ही मीटिंग की थी, पर अगर सचमुच मैं जॉब छोड़कर जा रहा हूँ तो मैं तुम्हारा बोनस का चेक में लिख कर जाऊँगा। फिर से इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि एनी को ज़रा बाहर जाना था, तो कुछ दिनों के लिए डिलन के फादर उसके पास आकर रहने वाले थे। जेमी की मदर भी अब वापस आ गई थी। एक दिन जब ये हैंग आउट कर रहे थे, तो सारी सिचुएशन देख कर कहती है तुम सिर्फ डरती हो, मेरी मिस्टेक्स फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। तुम जो ये सब बात कहती हो, तुम्हें प्रिंस चार्मिंग चाहिए, मूवी जैसा एक हीरो चाहिए, पर एक्चुअल में तुम ये सब चीज़ें नहीं चाहती। तुम्हें एक स्ट्रांग पार्टनर चाहिए जो तुम्हारे साथ पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर सके। मदर को भी लगता था कि डिलन उसके लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट सीन में डिलन के फादर उसके पास पहुंच गए थे। एयरपोर्ट पर लंच करते हैं, तभी उसके फादर ने अपनी पैंट निकालकर बाजू में रख दी। इस बात से पहले वो एम्बेरस्ड हो जाता, पर जेमी ने उसे जैसा कहा था कि अपने फादर से तुम्हें एम्बेरस्ड नहीं होना चाहिए, तो डिलन ने वैसा ही किया। उसने भी अपनी पैंट निकाल दी, अपने फादर के साथ लंच करता। लोग क्या कहेंगे इसका उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लंच करते हुए उसके फादर अचानक से किसी लड़की का नाम लेने लग गए। डिलन कहता है कि वो लड़की कौन थी। फादर ने कहा कि मैं जब यंग था तब वो मुझे मिली थी, वो मेरी लाइफ का प्यार थी, मैं कभी भी उसे भुला नहीं पाया। शायद उसी वजह से तुम्हारी मदर ने मुझसे डिवोर्स ले लिया। फादर पहले ये सब बात नहीं कर सकते थे, पर वो कहते हैं ये लाइफ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, तुम्हें इस तरीके से उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर डिलन ने रियलाइज़ किया कि वो कितना जेमी से प्यार करता है। वो डायरेक्टली जेमी से मिलने के लिए निकल पड़ा। जेमी आज रात उसकी मदर के साथ कहीं जाने वाली थी, पर उसकी मदर वहाँ पहुँचती नहीं। डिलन जेमी की मदर के साथ बात की थी और वो वहाँ पर पहुँच जाता है। अचानक से जेमी के आसपास के सारे लोग डांस करने लग गए। उसने डिलन को नोटिस किया। ये उसे जेमी को जिस तरीके से मूवीज़ अच्छी लगती है वैसे ही किया था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया, मुझे मेरा फ्रेंड वापस चाहिए, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। जेमी कहती है कि मुझे सब लोगों के सामने किस करो, और डिलन ने भी यही किया। इसी के साथ इनकी एक स्ट्रांग रिलेशनशिप स्टार्ट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।